सब्सक्राइब कीजिए राहुल आर्ट एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लिप्स ट्यूटोरियल आया हूँ जो कि फुल डिटेल में है, जिसमें आउटलाइन, शेडिंग एंड ब्लेंडिंग और एक अनोखा बोनस टिप्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हो राहुल आर्ट एकेडमी। तो चलिए चलते हैं आर्ट की अनोखी दुनिया में। सबसे पहले आपको आउटलाइन बना लेना है फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, और बोनस टिप्स आप जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो आउटलाइन हो गया है, इसे से आपको शेडिंग करना है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें लाइट टोन और डार्क टोन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट लेयर हो गया है उसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, कुछ इस तरह से, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, हल्के से करेंगे तो आपका अच्छे से होगा। आप ब्लेंडिंग स्टम्प के जगह पर तीसरी बार भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जिधर से माउथ ओपन होता है उधर से आपको डार्क शेडिंग अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, और आपको पेंसिल जो है पॉइंट का जो टिप है थोड़ा सा उससे दूर पकड़ना है, कुछ मैंने जैसे पकड़ा है उस तरह से आपको पकड़ना है, कुछ इस तरह से पकड़ के आपको जो शेडिंग है लेयर बाय लेयर अप्लाई करते जाना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप ब्लेंड कर लीजिए कुछ इस तरह से, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है ब्लेंडिंग के टाइम पे। ये शेडिंग हमने किया है अच्छे से, थोड़ा पेंसिल आगे पकड़ के इस तरह से आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने पेंसिल देखिए इस बार आगे पकड़ा है। अभी मैं लिप्स के टेक्सचर दे रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको लिप्स का टेक्सचर दे देना है। अच्छे से डेप्थ एरिया देख के लाइट टोन और मिडल टोन और जो डार्क टोन है वो अप्लाई करते जाना है। अब ब्लेंड कर रहा हूँ, देखिए मैं इधर भी मैं टेक्सचर दे रहा हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे। टेक्सचर पर नीचे तक टच नहीं होएगा, आधा ही होगा। अभी आपको जो टेक्सचर है उसके बीचों बीच में आपको अच्छे से लाइट टोन से लेके डार्क टोन तक देख के आपको शेड कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, हाइलाइटेड जो पार्ट है उसको छोड़ के आपको अच्छे से शेड कर लेना है। ऐसे आपको लेयर बाय लेयर शेड कर लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप पेशेंस के साथ काम कीजिएगा तो आपका वर्क भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। डार्क टोन, लाइट टोन, हाइलाइटेड पार्ट को ध्यान में रखे शेड कीजिए, ब्लेंड भी करते जाइए। टेक्सचर के बीचों बीच में अच्छे से शेड कर रहा हूँ, मैं फिर डार्क टोन कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे। डार्क टोन करने के बाद जो फोटोग्राफ मेरे पास था उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ शेड। जिधर आपको लिप्स का कर्वी शेप दिख रहा है वो हाइलाइटेड पोर्शन है, उस पर शेड ज़्यादा नहीं करना है, पर शेडिंग करना है उस पर। जैसे आप एरो को देख रहे होंगे उसी डायरेक्शन में आपको डार्क टोन टू लाइट टोन आपको शेड कर लेना है।
मैं इधर क्रॉस हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो टेक्सचर हमारा लिप्स का है वो अच्छे से आएगा। ऊपर से नीचे आपको टेक्सचर के लाइट शेड टू डार्क शेड देखने को मिल रहा होगा, आपको ऐसे ही ठीक कर लेना है तब आपका जो लिप्स है वो रियलिस्टिक लगेगा। स्किन के टेक्सचर के लिए आपको कुछ इस तरह से शेड कर लेना है जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, उसके हिसाब से आपका लिप्स भी बनेगा। जैसे आप देख रहे होंगे मैं लेयर बाय लेयर वर्क कर रहा हूँ, वैसे आपको ठीक वर्क करना है। ये लिप्स हमारा हो गया है। मैं यहाँ 8B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्टेडलर का है। जिधर डार्क टोन है उधर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको फिनिशिंग कर लेना है। अभी आपको जो हाइलाइटेड पोर्शन है उसको इरेजर से अच्छे से इरेज कर लेना है कुछ इस तरह से। अच्छे से आप इरेज कर लीजिए हाइलाइटेड पोर्शन को। अब जो शैडो है वो दिखाने के लिए, लिप्स में शैडो दिखाने के लिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ इस तरह से आप शैडो कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ हल्का हाथों से। और पेंसिल देखिए मैं कहाँ होल्ड किया हूँ, तो इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। आराम आराम से कीजिए, मैं इसलिए यहाँ वीडियो भी स्लो किया हूँ कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे कि मैं कैसे पेंसिल को मूव कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। इसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है, मेरा मतलब बोनस टिप। तो बोनस टिप्स के लिए कुछ इस तरह से आपको आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है सर्कल बाय सर्कल। आपको उससे बहुत ही आसानी होगा शेड करने में और जो आउटलाइन मिलेगा आपको वो भी अच्छा मिलेगा। सर्कल के जो बीचों बीच है वो जो दो साइड के सर्कल है उसको छोड़ के वो हमारा हाइलाइटेड पार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ये रियलिस्टिक लिप्स हो गया है। अगर आपने इसका टाइम लैप्स वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।